जय जगन्नाथ। पवित्र पुरी सहर और पुरी जिलार समस्त सूचना और संवाद भित्तिक कार्यक्रम दृष्टि को मुर जलिन आपण मानक स्वागत जनाउछि। आजिर मुख्यांशरी सरकारी कार्यालय पई नूतन नियम, प्रति शनिवार मध्य छुट्टी, 50% कर्मचारी चलिबो ऑफिस, कड़ाकड़ी हेबो कटकणा। अनलॉक 5 रे अक्टोबर 15 रु खोलिबो सिनेमा थिएटर ओ पार्क आदि। पुरी जिलार 197 आक्रांत चिन्हट। पुरी रु गड़िला ट्रेन, चढ़ई मास्क पिंधि चर्चा हजुरी भीमसेन खुंटिया। विशेष उपस्थापना श्रीक्षेत्र अन्यतम प्रख्यात शक्तिपीठ माँ दक्षिण काली एवं एथसह अन्यान्य खबर। देशरे मोट कोरोना संक्रमित संख्या 62 लक्ष अतिक्रम केंद्र सरकार बुधवार दिन अनलॉक 5 घोषणा करिछन। अनलॉक 4 सेप्टेम्बर 30 तारीख रे शेष होइथिबारु अक्टोबर 1 ठारु अनलॉक 5 को लागू करबा निमन्ते मार्गदर्शिका जारी करिछि केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय। पूर्वरु अनेक क्षेत्र को खोला जाइथिबा बेले अनलॉक 5 रे आउ केतक क्षेत्र को खोलिबा लागि मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। कंटेनमेंट जोन बाहरे खोलिबाकु थिबा क्षेत्र गुडीक मध्ये रहिछि सिनेमा हॉल, थिएटर्स ओ मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, व्यावसायिक प्रदर्शनी, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और अन्यान्य शिक्षानुष्ठान एवं कोचिंग प्रतिष्ठान आदि एथे रहिछि। ए सब क्षेत्र गुडीक अक्टोबर 15 तारीख परठारु खोलिबो ओ एथिलागि संप्रुक्त मंत्रालय एसओपी जारी करिबो। सिनेमा घर, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स गुडीक 50% दर्शकंकु नै खोलिबा लागि सूचना और प्रसारण मंत्रालय मार्गदर्शिका जारी करिछि। एथिपाई सर्वाधिक 200 जन दर्शक निमन्ते अनुमति रहिछि। सेहिपरि वाणिज्यिक कारोबार चालू रखिबा लागि व्यावसायिक प्रदर्शनी को अनुमति दिआजाइछि एवं वाणिज्य मंत्रालय ए संपर्क एसओपी लागू करिब। सेहिपरि क्रीडाविदंक तालीम प्रदान लागि स्विमिंग पूल व्यवहार करा निमन्ते अनुमति दिआजाइछि। एथिपाई क्रीडा और युव व्यापार मंत्रालय ए संपर्क मार्गदर्शिका जारी करिब। मनोरंजन पार्क एवं चित्त विनोदन केन्द्र भाई अनुरूप स्थल गुड़िक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एसओपी जरिया खोल जा गृह मंत्रालय अनुमति प्रदान कर। सबुठ गुरुत्वपूर्ण स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रतिष्ठान और कोचिंग अनुष्ठान गुड़िक अक्टोबर 15 रु धीरे धीरे खोलिबा लागि केन्द्र सरकार अनुमति देछन्। ए संक्रांत राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार विभिन्न विद्यालय परिचालना कमिटी और स्कूल कर्तृपक्ष सहित आलोचना कर सेठाकर परिस्थिति को अनुधान कर एसबू खोलिबा निष्पत्ति नहीं पारे केन्द्र सरकार पक्ष सामाजिक, शैक्षिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रम तथा अन्यान्य एकत्रीकरण लगी पूर्वर अनुमति दिया बेले आग भाई ए सबुले सर्वाधिक 100 जन लोक सीमित रहू लगी 100 रु अधिक लोक उपस्थिति लगी राज्य सरकार चाहिए अनुमति प्रदान करें। कंटेनमेंट जोन एवसी को अनुमति दिजा कंटेनमेंट जोन संपर्क राज्य सरकार जिला प्रशासन निष्पत्ति ने मार्गदर्शिका कहुई अनलॉक 5 अक्टोबर 31 तारीख पर्यंत लागू कर परवर्त समय आउ केतक क्षेत्र को खोल निष्पत्ति निजी अनुमान कर। बुधवार दिन राज्य 3615 जन नूतन कोविड आक्रांत को चिन्हट कर 2118 जन संगरोध केन्द्र मान स्थानीय अंचल 1497 जन को चिन्हट कर राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग गुरुवार दिन सूचना जारी कर। पुरी जिलार 197 जन नूतन आक्रांत को चिन्हट कर तेज गुरुवार संध्या समय यह संवाद लिखा बेलू पुरी सहर समेत जिलार केउ अंचलरु केते जन आक्रांत चिन्हट होइथिले से संपर्कित सूचना आमर हस्तगत होइनाय। सतर्क रुहंतु, सुस्थ रुहंतु, तेबे किपर यथासंभव सुस्थ रहिहेब ए संपर्कले नुआदिल्लीस्थ सार गंगाराम हस्पिटालर वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर परमेश्वर आरर सोशल मीडिया माध्यमरे प्रसारित करथिबा किछि परामर्श एठारे आमर श्रद्धेय दर्शकमानन निमन्ते प्रसारण करूअछु। से बाहर जाना ही होगा, सब्जी लेने घर से बाहर जाना ही होगा, दवा लेने घर से बाहर जाना ही होगा, जीवन है तो धन भी चाहिए, धन के लिए ऑफिस जाना ही होगा, लेकिन इस कोरोना काल में ये हमारा बाहर जाना ये हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूती नहीं है। आज जब कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं तो वो समय आ चुका है जब हमें बहुत अधिक अपने को बचाना है, हमें अपने को बचाना है, हमें अपनों को बचाना है। और इसमें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं घर के मुखिया और घर की माँ पे एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं कि घर से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति को नंबर एक वो एंश्योर करेंगे कि नाक में तेल लगना चाहिए, दिन में दो बार वो गर्म पानी जरूर पिए, दिन में दो बार कम से कम वो साबुत काली मिर्च चूसे या लौंग चूसे या अजवाइन में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के चूसे, रात में सोने से पहले वो हल्दी और सेंधा नमक गर्म पानी में मिलाकर के गरारे जरूर करे,
इसी हल्दी और सेंधा नमक मिले हुए गर्म पानी से वो भाप जरूर ले, और साथ में 11 चीजों का काढ़ा जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था उसको दिन में 2 बार जरूर पिए। यदि संभव हो तो हल्दी वाला दूध भी रात में जरूर पिए। और विश्वास कीजिए, ये मसाले जो आपके अपनी किचन के आइटम्स हैं, जिसके लिए आपको कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना, ये मसाले आपके लिए प्राण रक्षक सिद्ध होंगे। टू मेक श्योर कि आपका बच्चा इस गर्मी में भी, इस सीजन, कम से कम कोरोना काल में आइसक्रीम ना खाए, ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजें ना ले, दही का सेवन ना करे, खट्टी चीजों का सेवन ना करे, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो हमारे गले को खराब करती हैं, और इस खराब गले में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये शब्द इम्यूनिटी जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में रिकॉल आएगा, आज के समय पे आप टीवी खोलिए, हर 10 मिनट बाद एड्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और हर एडवर्टाइजमेंट ये कहता है कि ये चीज इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये चीज इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये चीज इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा विश्व मान चुका है कि इम्यूनिटी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें जो इस वायरस से बचा सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है वहां पे इम्यूनो बूस्टर यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली कोई दवा नहीं है, बल्कि उनकी दवाएं हमारी इम्यूनिटी को कम करके ही हमें बीमारी से बाहर निकालती हैं। फॉर्चुनेटली आयुर्वेद में हर दूसरी दवा जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा करके और हमें जो है उस बीमारी से बाहर निकालती है। तो हमारे पास आयुर्वेद है, माध्यम है, लेकिन हमें अपना विश्वास दिखाना होगा, अपनी श्रद्धा दिखानी होगी। और यदि आपको इसमें उदाहरण चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो आप एनालिसिस कीजिए नंबर्स का, कोरोना पेशेंट्स एज वेल एज कैजुअलिटीज का। आज अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इतने शक्तिशाली देश, आज देखिए वहां पे नंबर ऑफ पेशेंट्स किस तेजी से बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी तेजी से बढ़ रही है, और हमारा भारत देश जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां पे अशिक्षा है, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज कम है, वहां पर नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बहुत कम बढ़ रहे हैं और नंबर टू कैजुअलिटीज भी बहुत कम है। और इसका पूरा श्रेय अगर मैं देना चाहता हूं तो वो देना चाहता हूं आयुर्वेद को और हमारे अपने किचन के मसालों को। अगर इन मसालों को लेके आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए, एक और प्रमाण चाहिए, तुम्हारे अपने देश में केरल राज्य, जहां पर कोरोना इन्फेक्शन के पेशेंट्स को पहले दिन से आयुर्वेद की औषधियां देनी शुरू कर दी गई, वहां पर रिकवरी रेट लगभग 95% है, और जबकि पूरे देश में रिकवरी रेट 35-40% है। आज के समय पे, कोरोना के समय पे, जब हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड कोई मेडिसिन नहीं दे पा रहा है, हमें कहीं ना कहीं रिस्क में डाल करके बाहर जाने को मजबूर कर दे रहा है, ऐसे में अपनी चिकित्सा पद्धति पे विश्वास और फिर से अपनी श्रद्धा दिखाने की आवश्यकता है। और विश्वास कीजिए, हमारे जैसे चिकित्सक जो 25 वर्ष से आयुर्वेद को हर दिन सैकड़ों पेशेंट्स पे आजमा रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये सारे गर्म मसाले आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ये कोरोना पे बहुत भारी पड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करना होगा। रिपीट करता हूं, आज बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, मजबूती नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई सामने आए तो आपको एक ही बात सोचनी है कि तुझे भी कोरोना, मुझे भी कोरोना, और तब जानिए कि कोरोना से कुछ नहीं होना। तो इसलिए आपको सावधानी बरतते हुए इस कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड सैनिटाइजेशन, इन सब को भी बहुत अच्छे से फॉलो करना है, सो दैट हम और हमारे सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी प्रभाव को दृष्टि रखि दीर्घ 7 मास धरी देश एवं राज्य में अधिकांश यात्रीवाही ट्रेन चलाचल बंद रही तेज गत काली केंद्र सरकार अनलॉक 5 गाइडलाइन आसीबा पर आज पुरी ट्रेन चलाचल आरंभ हो आज प्रथम दिन में पुरी तीनोटी ट्रेन देश के विभिन्न स्थान को गड़ी आज पुरी गड़क ट्रेन गुड़िक पुरी अहमदाबाद अपराह 5:30 पुरी दुर्ग संध्या 6:30 और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस राति 9:45 पुरी छाड़ी तीनोटी ट्रेन सह एक स्पेशल ट्रेन पुरी गड़ी ट्रेन चलाचल को आखि आगे रखि रेल विभाग पक्ष व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करात्री मैंने स्टेशन में प्रवेश करने पूर्व जात्री मान थर्मल स्कैनिंग हैंड सानिटाइजर स्टेशन को छड़ा जात्री मानक सामाजिक दूरत्व रखा निम्ते स्टेशन परिसर रे ओ बाहर गोले चिन्ह दी गोले जात्री मैंने ट्रेन को प्रवेश करे ट्रेन जात्री बस स्थान टिकेट काउंटर बैरिकेड आदि को विशोधन विशोधन करने निम्ते प्राय 30 जन कर्मचारी को नियोजित कर
शशिकांत राउत चीफ सुपरवाइजर सर्विस मास्टर ट्रेन हाँ आज तो तीनो ट्रेन पूरी जी पूरी अहमदाबाद जी पूरी दुर्ग जी गोटे पूरी नुआ दिल्ली आम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जी से जत्री मान सुविधापी केमी आम स्टेसन परिसर को आम सानिटाइज करुच्छ स्टेसन बिल्डिंग सानिटाइज करुच्छ वेटिंग स्टल मान जो अच्छी विश्रामल सेर को आम सानिटाइज करुच्छ केमी लोक मैंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे से प्रति प्लाटफर्म आम गोलई करूँ आउ एंट्री गेट रे आम प्रवेश पथ में आम हैंड फुड ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर रखा जाए सब तक सुविधा आम कर बर्तमान आज आम सफेई कार्य सानिटाइज कार्य तीस लोक कम कर गोटे सिफ्ट में सेम सानिटाइज करा पड़ो कि मैं जी मानक असुविधा न हो से आम रेगुलर सानिटाइज करा पड़ो संक्रमण रक्षा पाइबा निमन्ते एबे मास्क व्यवहार उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करा जाउछि। टेरिकॉट कॉटन ओ हस्ततंत सुना ओ रूपादरे निर्मित विभिन्न प्रकार मास्क बाजार रे मिलुछि। तेबे पुरीर प्रातःस्मरणीय स्वाधीनता संग्रामी चंदन हजरी बा चाखी खुंटियाक वंशर जायद हजरी भीमसेन खुंटिया नड़िया सढ़ेरु प्रस्तुत होइथिबा एक मास्क पिंधि चर्चाकु आछन्ति। सढ़ेर भितरपटे दुई परस्थ कनार आस्तरण मध्य रहिछि। एही मास्क पिंधिबा निमन्ते बेस भल लागुथिबा श्री खुंटिया प्रकाश करिछन्ति। ଉଗ୍ରତାର ସୁଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଆନ୍ତ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମା' ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ରୂପରେ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭାବରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗବେଷକ ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛନ୍ତି ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଅଶ୍ୱିନ ମାସର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାଠାରୁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭକରଣ କରାଯିବା ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଷୋଡ଼ଦିନାତ୍ମକ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ପଣ୍ଡିତ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂଜକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ରିଙ୍କୁନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠକ ଭାବେ ଗୁଆ ଟେକି ବା ସଂକଳ୍ପ କରି ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମେତ ମାଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ 16 ପୂଜାରୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖଠାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକମାନେ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତା କରାଯାଏ। କୃଷ୍ଣକାଳୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ, ସିଂହବାହିନୀ, ବନଦୁର୍ଗା, ଉଗ୍ରତାରା, ବଗଲା, ନାରାୟଣୀ, ଦଶପୂଜା ଦୁର୍ଗା, ହରଚଣ୍ଡୀ, ଜୟ ଦୁର୍ଗା, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଆଦି ବେଶରେ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଓ ମହାନବମୀରେ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଳ ମାସ ପଡୁଥିବାରୁ ଏକ ମାସ ଧରି ମାଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ କରାଯାଉଛି। ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ମାଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ବେଶ କରାଯାଏ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରପିଠା ଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ, ଅବକାଶ, ମାର୍ଜଣା, ମୈଲମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବ ଧୂପ କରାଯାଉଛି। ବାଳଭୋଗରେ ଖଇକରା, ସେଉ, କଦଳୀ, କାକୁଡ଼ି ଓ ମହନ ଭୋଗ ଆଦି ଶୀତଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ମାନସିକ ଧରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପରେ ଅମାଲୁ, ଛେନା, ତାରିଆ, ମହନ ଭୋଗ ଓ କ୍ଷୀରି ଆଦି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଗୁଣ ଆସିଥାଏ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ବର୍ଷକରେ 4 ଦିନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମହାନବମୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାଳୀପୂଜା ଦିନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଚଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ଖେଚୁଡ଼ି, କାଲିକା, ଦହି ପଖାଳ, ମିଠା ଡାଲି, ମାଛ ମହୁଳ, ପାଣି ପଖାଳ, ଖଟା ଓ କ୍ଷୀରି ଆଦି ଭୋଗ କରାଯାଏ।
दक्षिणकाली ठाकुराणी स्टेट पक्षर स्वतंत्र पूजा और भोग प्रक्ष व्यवस्था रही। श्रीक्षेत्र प्रसिद्ध दक्षिणकाली को श्रीजगन्नाथ महाप्रभु स्वरूप भाव कहुए। श्रीमंदिर विभिन्न रीतनीति दक्षिणकाली मंदिर संपर्क रही। श्रीक्षेत्र अन्यतम प्रत्यक्ष देवी भाव माँ दक्षिणकाली परिचित। मंगलवार और शनिवार सेठे भक्तों गहली होता है। अन्य दिन में दर्शन पर भक्त मैंने जाते विपद से पड़ी माँ को डाक दुख दूर हो जाए भक्तों विश्वास रही। यह मंदिर चतुर्पार्श्व दश महाविद्या मूर्ति रही। दक्षिणकाली को दर्शन करने भक्त मैंने पार्श्व देवादेवी को दर्शन कर भक्त मैंने दैनंदिन माँ को खईकोड़ा कदमी और दही आदि लागे। मो ना रवि नारायण पंडा मो माँ दक्षिणकाली पूजक आओ सोल पूजा पर माँ सरस्वती पूजा रजा घर स्वतंत्र वर्ण हो पंडित आसते आओ माँ दीदिन वर्ण हाँ गोटे षोल पूजार पूजा षोल दिन आउ गए अष्टमी सप्तमी दिन आउ थे वर्ण हाँ बहुत तो आमर अंबाल खीरी षोल दिन लगी थाए ताद आउ रजा घर स्वतंत्र आसे मुआ भोग आसे मुआ भी लगी थाए भेस आमर षोलटा भेस जो तेरटा भेस हाँ आ तीन दिन सुना भेस। अक्टोबर एक तारीख गुरुवार आश्विन मल पूर्णिमार प्रत्युष पांचटा सतर मिनिट समय भीतरक्ष सेवकों द्वारा श्रीमंदिर सिंहद्वार फिटा नीति संपन्न करम अनुजाई श्रीमंदिर अन्य नीतिकांति मान अनुसृत हो ब्राह्म मुहूर्त में संपन्न करंगलप्रद दृश्य उपस्थापना खास दृष्टि श्रद्धे दर्शक मान निमंते जय जगन्नाथ। आसुची बड़ वर्षा पांच दिन धरी पुरी समेत अर्धाधिक ओडिशा रे वर्षा लागी रहिबो। उपकूल रु पश्चिम ओडिशा पर्यंत सबुठी वर्षार प्रकोप देखा देबो। स्थान स्थान अति प्रबल वर्षा होई पारे। जलबंदी समस्या माटी घर भांगिबा सह रास्ता धोइजिबार संभावना रहिछि। संभाव्य वर्षा और जलबंदी समस्या को दृष्टि रखी राज्य स्वतंत्र रिलीफ कमिशनरों पक्षर सतर्क रहा निम्ते जिलापा परामर्श दि जाएगी। ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी होता जिलार जिलापा मैंने एथप्रति दृष्टि देखते जिला कंट्रोल रूम को 24 घंटा चालू रखा जाए। वर्षार स्थित संपर्क में नियमित भाव एसआरसी कार्यालय को जनवा निम्ते निर्देश रही। आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुजाई आंध्र उपकूल संलग्न पश्चिम बंगोपसगर में एक घूर्णिवलय सृष्टि होती। आसंता 48 घंटा लघुचापे परिणत हो पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर दे ओडिशा उपकूल मुहां हेब। यार प्रभाव में अक्टोबर पहला पुरी समेत गंजाम कंधमाल और गजपति जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह जिला गुड़िक ऑरेंज वार्निंग जारी होई। अक्टोबर 2 तारीख में उपकूल ओडिशा पुरी समेत जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा और ढेंकानाल जिलार केतेक स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। जलबंदी घर भांगिबा और रास्ता नष्ट पर समस्या सृष्टि होपे। यही समय समुद्र अशांत घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहार संभावना रही। मत्स्यजीवी मैंने समय मध्य समुद्र को न जावाक उत्तर पापाग विभाग और एसआरसी पक्ष परामर्श दि जाए। राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरी नगर शाखा पक्षर जिलापा को एक दावीपत्र प्रदान शिक्षानुष्ठान मान नामलेखा फीस आदाय को विरोध करप्रतिक करोना महामारी कराल तांडव लीला समय लोक मैंने दिनक गोटे ओली खावा निम्ते न पाता समय सरकार निज राजस्व को भरणा करने निम्ते विद्यार्थी मानु नामलेखा बाबद फीस आदाय कर आर्थिक शोषण करपत्र प्रदान कार्यक्रम परिषद पुरी नगर संपादक तारा प्रसाद दास और नगर सह संपादक सुनील कुमार प्रधान समेत शिवम कुमार सेठी शिवानंद पाढ़ी समीरंजन दास विशाल नायक कान्हा साहू जजाति केशर नायक तोफान साहू और पिंटू दास प्रमुख अंशग्रहण करते।
अक्टोबर 2 तारीख शुक्रवार दिन सारा भारत में श्रद्धा और सम्मान सह पालित हो महामानव महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान स्लोगान उद्घोषक तथा भारत भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गत लाल बहादुर शास्त्री जयंती उत्सव गांधी जयंती अव्यवहित पूर्व अंतर्जातीय ख्याति संपन्न बालुका शिल्पी सुदाम प्रधान गुरुवार दिन एक सैंड आनिमेसन मध्यम महामानव प्रति सम्मान ज्ञापन कर आनिमेसन शिल्पी सुदाम 1934 पुरीर सिंहद्वार सम्मुखें उत्कलमणि गोपबंधु प्रतिमूर्ति को उन्मोचित करने समय दृश्य को स्थानित कर मास्क पिंधि नथिबा तीनि जण बसिथिबा ओ मोबाइल फोन रे गपुथिबा गाडी चालक मानकु आउ पुलिस रास्तारे अटकाइबो नाही बोली ई चालान व्यवस्था आरंभ होईछि। पुलिसर प्रमुख छक मानकरे कैमरा लगा जाइथिबा बळी केतेकंक नामरे ई चालान मध्ये कटा गलानी। बुधवार संध्या प्राय 7टा समय रे जणे वयस्क भद्र व्यक्ति निज मोटरसाइकिल रे जाउथिबा समय रे इलास्टिक ढिला थिबा कारण रो मास्क रे तांकर नाकतळक खसि जाइथिला। बाइक ती ट्राफिक सिग्नल रे अटकिथिबा बळे हटात दौडी आसिले 2-3 जण पुलिस कर्मचारी। यूनिफॉर्म रे सेमानकर नंबर प्लेट नेम प्लेट किछि भी नथिला। छडाई नैथिले मोटरसाइकिल रो चाबी आरंभ कर देथिले ब्रिटिश समय रो पुलिस घठाणी। जणे पथचारी निज मोबाइल रे रेकर्ड करथिबा ई दृश्य एबे सोशल मीडिया रे खूब वायरल होईछि। टिके देखंतु आ पुलिस जनतांकर केबे सेवक हेबो ता टिके विचार करंतु। आगे आगो स्टाफ बिना मास्क बन्द करले नि कोदु मास्क पिंतला आपन बिना मास्क केत्रो भाइन कटला केत्रा में ये नेम प्लेट अंकल नेम प्लेट नहीं ये पुलिस अंकल नेम प्लेट नहीं अंकल ऊपर केत्रा फाइन लगे एसपी महोदय मत रहो ये पुलिस अंकल नेम प्लेट नहीं ता ऊपर केत्रा फाइन नहीं देखियो हमें काय करियो भैया हमें हमें परमिशन हो गणतंत्र के समाज रे आगे करियो कि चाह किछि के करियो भांडा गली जना अपन ओरे पुरी में जिला और राज्य बाहर यात्री समागम आरंभ हो करोना संक्रमण आशंका को बुली यात्री मैंने पुरी महोदधि स्नान निम्ते भिड़ जमाऊ पखापाखि सांग साथी और परिवार सह स्नान करुछंती। समुद्र स्नान पर गाधवा निम्ते शौचालय को मध्य व्यवहार करुछंती। आवश्यक सानिटाइजर कर एकाधिक लोक गोटे शौचालय को व्यवहार कर प्रबल वर्षा कारण पुरी समुद्र अशांत थी समय बुधवार दिन समुद्र स्नान समय बुड़ जाऊ जे यात्री को उद्धार कर संपृक्त युवक जन भुवनेश्वर बीजेपी नगर 22 वर्षीय दुर्गा दास बोली जना जायछि। अपराह्न 2टा समय रे से निजो सांगमानक सह समुद्र रे स्नान करथिबा बेले लहड़ी माड़ रे भीतर को चले जायथिले। से बुड़ी जाउथिबा लक्ष्य करि लाइफ गार्ड माने समुद्र रु तांको उद्धार करथिले। विभिन्न स्थान रु यात्री आसुथिबारु सेमानक उद्धार करबा समय रे लाइफ गार्ड को मध्यरे मध्य कोरोना संक्रमण व्याप्ति पर आशंका करा जायछि। बहुप्रतीक्षित श्री सेतु चली मापचुप एथिपाई मंगलवार दिन किसी प्रशासनिक अधिकारी मंगलघाट छक मापचुप कर नक्सा अनुजाई श्री सेतु आवश्यक जगह और यार स्थित अनुधान करोना किस हम यह कार्य अटकी रही पुणी थे मापचुप और जमी अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ हो सूचना योग्य श्री सेतु समंग मटीतोटा दांडीमाल साही और मार्कंडेश्वर साही 1 नंबर मौजा 34.246 एकर बेसरकारी जमी और 3.737 एकर सरकारी जमी अधिग्रहण करा जिवो। समंग मौजा 17.947 एकर बेसरकारी जमी और 0.011 एकर सरकारी जमी मटीतोटा 12.065 एकर बेसरकारी और 0.162 सरकारी जमी मार्कंडेश्वर साही नंबर 1 मौजा 1.703 एकर बेसरकारी और 3.465 सरकारी जमी एवं दांडीमाल साही 2.531 एकर बेसरकारी और 0.100 एकर सरकारी जमी अधिग्रहण करा जिवो। एथिपई आगुआ 19 कोटी टंका खर्च अटकल अनुमोदन भी सरिछि। श्री सेतु माल्टीपाटपुर ठारु मंगलाघाट बाइपास दे श्री जगन्नाथ वल्लभ रे पहुंचिबो। पर्यटक मान सीधा सड़क श्री सेतु दे शहर पार्किंग स्थल रे पहुंचिबे जद्वारा शहर भितर भिड़ कमिबा सह पर्यटक सुविधा रे महाप्रभु को दर्शन करिपारिबे बोली लक्ष्य रखा जायछि। एथिपई जमी अधिग्रहण प्रक्रिया भी जोरसोर रे आगे चलिछि। जगन्नाथ वल्लभ माटीतोटा आदि अंचल रे जमी अधिग्रहण प्रक्रिया जारी रहितबा बेले जगन्नाथ वल्लभ परिसर गछकटा मध्य शेष होइछि। नोबेल कोरोना भूताणु संक्रमण विरुद्ध गोष्ठी स्तर में सचेतनता सृष्टि करने लक्ष्य में फ्रेश वाटर एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया शाखा और इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट को मिलित आनुकूल्य एक स्वेच्छासेवी तालीम शिविर बुधवार दिन चंदनपुर स्थित एसएनडीएवाई द्वारा परिचालित आशा सम्मिलनी कक्ष में आयोजित होता।
ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାରଣା ଏଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ କରି ଶିବିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀପତି ମହାପାତ୍ର, ମାହିକ୍ସିତା ମିଶ୍ର ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ତାଲିମଦାତା ଭାବେ COVID-19 ଲକ୍ଷଣ, ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ, ସଂଗରୋଧର ଉପାୟ, ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଫନ୍ସା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତିକାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସବିତା ରଥ ଓ ଗୋପାଳ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେବ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ରୋଗୀଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବା ସମୟରେ ଏହା ଦେଖି ସମ୍ପର୍କୀୟଗଣ ତାଜୁବ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ଅଛି କି ନା ବନ୍ଦ ରହିଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଆର ଫାଟକ ବାଟେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପଟେ ନ ଆସି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମେଡିକାଲର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ମନମୁଖୀ ଓ ଖାମଖିଆଲ ନୀତି କାରଣରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ଓ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୁଗା, ଧୋତି, ପାଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ସୁଲଭ ଦରରେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହି ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752297489, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437014889, 706409462। ଏତଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସହର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ବାସଗୃହ ବା ଦୋକାନ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଯଥା ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲାକୁ ଅଲଗା ଅଳିଆ ଡବାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବର୍ଜନାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଡ଼ିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସହର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏହି ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ଗର୍ବିତ ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିବେଦକ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।